पीसीसी चीफ और टोंक से विधायक सचिन पायलट का जन्मदिन आज उनकी समर्थक प्रदेश भर में मना रहे हैं। इस मौके पर पायलट के समर्थक रक्तदान शिविर का भी आयोजन कर रहे हैं। हम आपको साफ तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पायलट के समर्थक विभिन्न आयोजन कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पायलट को जन्मदिन की बधाई दी। तस्वीर जरा देखिए, राजधानी जयपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, अजमेर में भी, पिलानी, झुंझुनू में, भरतपुर, झालावाड़, महवा और श्रीगंगानगर, राजस्थान में लगभग 33 जिलों की सभी 200 विधानसभा सीटों पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और सचिन पायलट के 43वें जन्मदिन पर 43,000 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया था। वहीं बीकानेर में भी पायलट के जन्मदिन पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कांग्रेस नेता महेंद्र गहलोत की अगुवाई में पौधों का वितरण किया गया तो वहीं सलीम भाटी की अगुवाई में गरीबों को भोजन भी कराया गया। राजस्थान सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री परम सम्मानीय सचिन पायलट साहब का जन्मदिन है और इस अवसर पर पूरे प्रदेश भर के अंदर युवा वर्ग के द्वारा युवाओं के हृदय सम्राट सचिन पायलट साहब के इस जन्मदिन के अवसर के ऊपर ऐसा ही लोगों को एक भोजन की व्यवस्था की है और उनके दीर्घायु की कामना की है और उनके नेतृत्व में और माननीय अशोक गहलोत जी के सानिध्य में दोनों मिलकर इस राजस्थान के अंदर कांग्रेस को और फलीभूत करें और आम जन की हर आकांक्षाओं को पूर्ण करें। हमारे राजस्थान के पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमान सचिन पायलट जी के 43वें जन्मदिन पर देहात कांग्रेस बीकानेर की तरफ विभिन्न कार्यक्रम हमने आयोजित किए हैं। 43वें जन्मदिन पर हम 43 जो एंटीबायोटिक जो प्रतिरोधक क्षमता वाले जो पौधे हैं उन पौधों का वितरण करेंगे। जो हमारे एक एक नेता एक एक पौधे को ले जा करके अपने घर में, अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, अपने गांव और ढाणी में ये पौधा लगा करके और हम पर्यावरण को नया रूप देंगे, पर्यावरण को बढ़ावा देंगे। वहीं टोंक में भी विधायक सचिन पायलट का जन्मदिन मनाया गया। कांग्रेस नेता सऊद सईदी और नगर परिषद सभापति अली अहमद ने जनाना अस्पताल में इंदिरा रसोई का उद्घाटन कर केक काटा, साथ ही बाल संप्रेषण गृह में बच्चों को फल और बिस्किट भी बांटे। इसके साथ ही बरौनी, देवली, मालपुरा और निवाई में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं सचिन पायलट ने अपने जन्मदिन पर रक्तदान शिविरों के आयोजन को लेकर कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी दिया। जरा सुनिए। समेत कई जगहों पर लोगों ने शिविर लगाए हैं रक्तदान करने के लिए और मुझे जानकारी मिली है कि सैकड़ों की तादाद में ऐसे शिविर लगाए और बहुत सारे लोगों ने ये रक्तदान कर आज एक मानवता की सेवा करने का परिचय दिया है। मैं उन सभी लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, नौजवानों का, महिलाओं का, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, जिन्होंने आकर जो कोरोना के समय आज संकट हमारे सामने है, जब अस्पतालों में, ब्लड बैंक्स में खून की कमी आ रही थी, आज सबने बढ़ चढ़ कर आकर हजारों लोगों ने रक्तदान किया है और मेरे लिए इससे बड़ा कोई जन्मदिन का तोहफा नहीं हो सकता।